So your lordship will see कि we have the election commission की ही appeal है, उसमें उन्होंने PML का लिखा हुआ है, मियां नवाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, एहसन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड एक्सेट्रा, इफ द एंटायर दे ओनली गिवन सिक्स पीपल नथिंग एल्स ऑल अनअपोज्ड एंड ऑन द नेक्स्ट पेज. नहीं आप पॉइंट पॉइंट क्या कह रहे हैं? पॉइंट पॉइंट में ये कह रहा हूँ कि सर अनअपोज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का एक अनअपोज्ड यकीनन हो सकता है. अब जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां पॉलिटिकल पार्टी की, शायद वो अनअपोज्ड आ जाए. जी मतलब ये मैं कह रहा हूँ हर एक छोटा सा पोस्ट भी अनअपोज जा रहा है. बलूचिस्तान का पता नहीं इसका ये वर्कर्स विंग का हेड वो भी अनअपोज जा रहा है. आप 319 देख लीजिए, 319 अब यकीनन आप खड़े होते शायद आप अनअपोज आ जाते, मान लेते हम, क्योंकि भाई चले आप वाबस्तगी है, आप काम कर रहे हैं पार्टी का, लोगों ने कहा ठीक है बंदा सही है. सो इट्स नॉट अनयूजुअल दैट 319 देखिए सर आपकी नेक्स्ट टीम बजट. देखिए हम उस पर तबसरा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आप कह रहे हैं. तो मैं ख्याल आपको इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट कर दूं, अवामी नेशनल पार्टी का इवन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड. देखिए इसीलिए तो हमें आपका मंशूर तो बड़ा अच्छा लगा, मगर ये पैनल वाली बात शायद मुझे मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ. मगर इलेक्शन इन द इलेक्शन इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि एमपी को भी प्रॉब्ली कोई प्रॉब्लम था, या तो उनको फाइन लगाया कुछ. हाँ, उनको 20,000 का फाइन लगाया जिन्होंने, और ये कहा कि ठीक है आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आज ही ऑर्डर आया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना बाद में करा लें, सिंबल आपको दे देते हैं अभी फाइन कर लें. तो इट्स जस्ट कम आउट. अगर आपका मसला बहुत जमाने से चल रहा है. जी अच्छा सर, कमी देखिए आप देखिए आर्टिकल 17 पार्टी फंडिंग की भी बात करता है, उसमें तो सिंबल की बात नहीं मतलब पैसों की तो बात कर ली. वो तो है, वो कल हम सुन रहे थे उन्होंने कहा जी आप 2014 से वो इशू पे भी बात को चलने ही नहीं देते हैं आगे. मतलब देखिए अब इसमें देखिए जरा आप एक और इसमें पहलू है जो कि बहुत नाजुक पहलू है. मुल्क कौन चलाता है? मुल्क वो सियासी पार्टी चलाएगी जो मुंतखब हो जाए. ठीक है, सियासी पार्टी तो कुछ भी नहीं है ना, एक नाम है. आप कल अपनी पार्टी का नाम बदल लें तो मतलब पार्टी तो वही रहेगी ना. तो वो लोग कौन होते हैं? पब्लिक को तो पता तो होना चाहिए कि हाँ ये लोग पता नहीं हमारे दुश्मनों से सौदा तो नहीं कर लेंगे, कोई और मसला नहीं खड़ा करेंगे, इनका बैकग्राउंड ये है. हाँ यार ये मैं जाना पहचाना आदमी, चलो हम ये बीच एक दो लोग आपस में कभी हो जाती है, किसपे हर पार्टी में होती है ऐसी. मतलब तो जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि उसमें डिस्प्यूट होता है. अब आपके दूसरे कल वो थे ना, हमने खुसा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं हूँ पीपल्स पार्टी में, अब मैं आपकी पार्टी में. ठीक है वो कोई बात नहीं होती रहती, मगर पार्टी जब तक किसी को निकाले नहीं या वो आदमी खुद छोड़ के ना चला जाए तो फिर तो उसको आप अपना माने, चाहे बेशक आप उसको अच्छी नज़र से ना देखें या कुछ लोग पार्टी में. मगर देखिए हर आदमी वो एक ही बात करेगा तो फिर बात किसी बात पे कोई आप सुनना नहीं पसंद फरमाएंगे. अच्छा मैं कहता हूँ इकॉनमी यूं चले तो सब कहेंगे जी यस सर. वो दूसरा आएगा तो मैं कहता हूँ इकॉनमी यूं चले, कहेगा जी यस सर. फिर वो कहेगा नहीं जी ऐसे नहीं, शायद ये बेहतर है, शायद वो बेहतर है. हो सकता है फिर उस पर वोटिंग हो जाए, नहीं ऐसे करना चाहिए, चलो भाई IMF से मुआहदा कर लें, IMF से नहीं मुआहदा करें भाई चलो भाई ठीक है. तो जब हमें पब्लिक को क्या पता है, एक कागज का टुकड़ा आया. अब आप बुरा ना माने क्योंकि गौर साहब हमारे सामने खड़े हैं और कल ये मुंतखब हो गए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो आपकी पार्टी में इन लोग जानते हैं इनको क्या एकदम क्या करेंगे याद करके, तो ये बातें खड़ी हो जाएगी ना. तो भाई लोगों इट मींस डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यू रिप्रेजेंट मी. You are not representing the question, that basic question which is troubling my mind is who do you represent?
ठीक है जी, ये वाली बात है सही। आपका देखें सर, मैं तो आपकी जो माइंडसेट है उसके साथ बिल्कुल चलता हूँ पर्सनली। चुपते वाले सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं। आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव सर के ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हैज टू स्टार्ट विद ग्रास रूट्स, द टॉलरेंस प्रिंसिपल जो हमें नहीं है समझ, कोई किसी को खिलाफ बात करता है तो हम शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमारे अगेंस्ट है, यू विद मी और नॉट विद मी, ये जो एटीट्यूड है वी नीड टू चेंज दैट। आपका जो अच्छी एक आपने माहौल पैदा किया है विच इज द फैक्ट दैट यू आर लिसनिंग टू ऑल काइंड ऑफ dissensions and you move on fast with the cases. So, ये एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रिवायत है। I am arguing maybe contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak and your lordship is responding by an argument or an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create. So I appreciate that. No, we appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a counsel. I mean, I've never had in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much, ji. And same to you. Sir, I will pass on some, just to show that we were wanting to do that election, pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do. So, just pass it along. If you will see white color for the center, and you will see different colors for different provinces. And the reason was that we were ready for the election. We wanted ki agar kal ko election panel aata hai, two hote hain, to we would want to do it. ये तो ब्लैंक है, कुछ इस पे लिखा नहीं है। ये दिस आर द बैलेट पेपर्स रेडी। व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी वर रेडी फॉर द इलेक्शन इफ इट नीडेड टू बी इफ इट नीडेड टू टेक प्लेस। मतलब आपने इस पे लिखा नहीं पैनल नंबर सो एंड सो, पैनल नंबर सो एंड सो। वो तो अगर ये आता तो वो इसी वक्त बैठ के भरते सारे, वो उस वक्त करते अकॉर्डिंग टू द पैनल। ये अगर जो येलो फॉर एग्जाम्पल है इज वन पैनल, वन प्रोविंसेस पैनल, तो वो फिर उस पे टिक करते कि किस पैनल को उन्होंने, अगर दो होते या तीन होते फॉर एग्जांपल, ये अगर आप ये भर चुके होते तो फिर उससे जाहिर होता कि आप ये पैनल्स मौजूद थे और हो रहा था इलेक्शन, किसी ने नहीं एक पैनल भी आया नहीं तो फिर इलेक्शन नहीं हुआ। ये पैनल का मुझे कॉन्सेप्ट समझाएं क्या है जरा, फिर मैं समझ नहीं पाया अभी तक पैनल के। सर पैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट अस अज्यूम कि मैं अपना बताइए आपका अपना मैं अपना अज्यूम कर रहा हूं कि आई वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन एज माय एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। सो मेरे पास मजबूरी ये है कि मुझे एक पूरा का पूरा अपना जो लिस्ट है ऑफ माय डिप्टी ऑफ माय फाइनेंस ऑफ माय, ठीक है समझ गया। आपने कहा 10 लोग ये होंगे, 10 लोग जो दूसरा जो पैनल आ गया वो भी तो वही कर रहा है, वो भी 10 लेके आएगा बंदे, नहीं तो वो आपके खिलाफ लड़ेगा ना, लड़ेगा। वो कहां हुई कंटेस्ट, वो आया ही नहीं कोई। आपने कहा 6 पैनल थे सिर्फ, फॉर ईच स्पीच फॉर सेंटर देयर इज वन पैनल, फॉर ईच प्रोविंस भी एक पैनल का कॉन्टेस्ट होता है अलग। सो केपीके का अलग कॉन्टेस्ट होगा पैनल्स का, अगर दो आ जाए तो वो सिर्फ आप ही कह रहे हैं उसमें इत्तेफाक है कि सूबों में और वफाक में कोहिजन थी, कोहिजन नहीं एक सोच थी, सोच थी। so, जो भी आप प्लस कह लें, यस ठीक है ओके। सो दैट इज द थिंग। अच्छा इसके बाद सर अब आ गया डेट, जिस दिन इलेक्शन होना था वोटिंग उस दिन तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक एक पैनल ही था, बट नॉनदलेस वेन्यू वॉज चोजन एंड मीटिंग डिड टेक प्लेस एंड उस पे कोई तकरीबन 500 वेन्यू क्यों फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं थी, पैनल हो गया जस्ट टू रूल्स हमारे एक रूल में था क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन हुए हैं जी, या तो आप कहते हैं जरूरत ही नहीं है 6 पैनल है 6 के 6 इलेक्टों के, खुदा फिर जाओ
जी, फिर आपने इनको जहमत क्या दी थी सरकार को, क्या मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी वजह ये थी कि मेरे लिहाज से तो दे कुड हैव नॉट डन इट, लेकिन एक रूल इनका है कि अगर आपका ना भी हो कंटेस्ट इलेक्शन, आप फिर भी उस दिन अनाउंस करेंगे इन ओपन पब्लिक। सो उसके लिए फिर हमने, एंड दैट रूल इज रूल 15 एट पेज 100, ये आपके आईन का रूल्स का, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बट द रूल्स, रूल ऑफ ईसीपी पीजीपीटीआई। अच्छा वो कहाँ है, हमारे पास है पेज 100 पे, पेज 100